सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अदर न्यू वीडियो। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि भाई भी मतलब भीमराव अंबेडकर जयंती पे ही एक स्टेटस वीडियो लाने के लिए। सो गाइज, आज तुम्हारा भाई आ गया है भीमराव अंबेडकर जयंती के ऊपर एक धमाकेदार स्टेटस लेकर। सो गाइज, आप लोग को स्टेटस जैसा भी लगता है आप लोग कमेंट जरूर दीजिएगा। सो गाइज, चलिए आप लोग पहले प्रीव्यू देख लीजिए, फिर मैं उसका फुल ट्यूटोरियल देता हूँ। गाना बजाओ। किसी को कहना पड़ेगा अंबेडकर साहब का सम्मान कीजिए। हाँ, अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं कर रहा है तो लोल है, पढ़ा लिखा नहीं है तब। समझा, जिस संविधान को पढ़ के वकील लोग बड़का बड़का डिग्री लेके भागते हैं, वकील है लिखे हैं वही। तो गाइज, अभी आपने जो प्रीवियस स्टेटस देखा, आप लोगों को ये स्टेटस कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइज, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज, कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एलाइट मोशन। एलाइट मोशन को आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम पे भी मैंने उसका पिन को मतलब उसका लिंक को मैंने पिन कर दिया है, आप वहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको ये सारे फोटोज HD क्वालिटी में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको प्रीवियस स्टेटस मतलब आपको डाउनलोड करना है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा या फिर मेरे फेसबुक पेज पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको क्या करना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट और एक सेक इफेक्ट करके लिंक दी गई है, उसको आपको अपने एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइज, चलिए इंपोर्ट करने के बाद अपने एलाइट मोशन को हम लोग करते हैं ओपन। सो गाइज, एलाइट मोशन में हमारा जो बीटमार्क प्रोजेक्ट है कुछ इस टाइप से ओपन हुआ, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आपका हो सकता है टेक्स्ट का जो मतलब आपको यहाँ पे फॉन्ट है वो हट जाएगा। तो गाइज, मैं फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको वहाँ से मतलब ऐड कर लेना है फॉन्ट को। तो गाइज, फॉन्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। देन ऊपर में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लेमन मीडियम करके आपका एक फॉन्ट है। तो गाइज, इस फॉन्ट को आपको ऐड करना है, मैं फॉन्ट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ से सिंपली जाके व्यूज ऑल फॉन्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है फॉन्ट को। सो गाइज, मैंने पिछले बहुत सारी वीडियो में भी बताया हुआ कैसे फॉन्ट को इंपोर्ट करते हैं। सो गाइज, इस तरह से आप अपने फॉन्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। सो गाइज, ऐड करने के बाद हमारा जो आगे आओगे तो आगे हमारा कुछ इस टाइप से है, जो मतलब आपको एक बुक टाइप का यहाँ पे एक ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। सो गाइज, इस ग्रुप पे आपको फोटो को ऐड करना है। तो गाइज, इसके लिए आप मतलब मैंने तो संविधान का फ्रंट पेज वाला जो बुक का कवर पेज होता है मैंने उसको लिया था, तो आप गाइज उसी टाइप का कुछ आप फोटो ले लेना, ठीक है। देन आपको फोटो को क्या करना है कि 9:60 के रेशियो में क्रॉप कर लेना है। सो गाइज, क्रॉप करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, देन 9:60 के रेशियो क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहते हो गाइज अदर कोई भी एप्लीकेशन से क्रॉप कर सकते हो। सो गाइज, मैं यहाँ पे इसी एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। देन गाइज, मैं यहाँ पे इस यही फोटो ले लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन करेंट फ्रेम एस PNG पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, आपका जो है ये फोटो के रूप में आ जाएगा। देन आपको सेव कर लेना है, ठीक है। सो गाइज, सेव करने के बाद फिर से अपने सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट में चलते हैं। सो गाइज, सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको जो ग्रुप है उस पर टैप करना है, देन एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। सो गाइज, स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में जो हमारा इमेज वन आपको करके यहाँ पे दो मतलब दो लेयर देखने को मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है इमेज वन। सो गाइज, उसको आपको सिंपली टैप करना है, कलर एंड फिल का ऑप्शन में जाना है, स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज, जिस भी फाइल में मैंने फोटो क्रॉप किया उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, देन हमें फर्स्ट वाला फोटो को ऐड कर देना है, ठीक है। सो गाइज, इमेज वन जो भी मतलब दो लेयर पर लिखा है वो दोनों पर आपको एक ही इमेज को ऐड कर देना है। देन आपका नीचे जो सेकंड कलर का आपको मतलब मिल जाएगा लेयर, उस पर आपको सेकंड फोटो को ऐड कर देना है, जो गाइज मैंने संविधान का अंदर वाले पेज का फोटो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो गाइज, इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे आना है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज सेकंड का मतलब जो सेकंड पेज वाला आपको है ऊपर में आपको रेड कलर का देखने को मिल जाता है। सो गाइज, इस पर भी आपको वही वाले इमेज को ऐड कर देना है जो कि अभी हमने ऐड किया था, ठीक है। देन आपको नीचे यहाँ पे तीसरा इमेज भी मिल जाता है इमेज 3 करके, इस पर आपको थर्ड इमेज को ऐड कर देना है। देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो थर्ड इमेज का भी आपको एक और लेयर देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे ऊपर में थर्ड इमेज का एक और लेयर है, उस पर आपको सिंपली टैप करना है, उस पर भी आपको थर्ड वाला इमेज को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको गाइज एक लास्ट में फोर्थ वाला इमेज को भी ऐड कर देना है। सो गाइज, चलिए इसको भी हम लोग करते हैं ऐड। देन गाइज, इतना कर देने के बाद आपका जो ये ग्रुप का काम कंप्लीट होता है, ठीक है। देन आपको हो जाना है यहाँ से बैक, और गाइज बैक होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ग्रुप जो है कितने अच्छे से यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो गाइज, कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट बीट पे आना है। बीट पे आने के बाद क्या करना है गाइज, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है और अपने फाइल को सिलेक्ट करना है, जिस भी फाइल में फोटो।
गाइज फाइल में फोटो पे मतलब आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली फोटो को टैप करना है, देन यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे सेट कर देना है, देन गाइज नेक्स्ट बिट पर आकर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। सो गाइज इसी तरह से चलिए हम लास्ट तक फोटोज़ को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज सारे फोटोज़ को ऐड करने के बाद सिंपली हो जाना है बैक और हमारा जो सेकिफिक प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है, देन हमारा जो नीचे आपको लेयर देखने को मिल जाता है फोटो वाला उस पर सिंपली टैप करना है, इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइज इस फोटो के इफेक्ट को कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, देन गाइज सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद हमारा जहाँ पे फोटो ऐड है ठीक है आपको वहाँ पे आ जाना है और मतलब अपने सारे फोटोज पाने के बाद आपको क्या करना है फोटो पे इफेक्ट को अप्लाई करना है। सो गाइज उसके लिए सिंपली फोटो पे टैप कर दीजिएगा, इफेक्ट में चले जाइएगा और यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट फोटो पे आके फिर से आपको फोटो पे टैप करना है, इफेक्ट में जाके 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। सो गाइज इसी तरह से चलिए हम लोग सारे इफेक्ट्स को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो करते हैं स्किप। सो गाइज इफेक्ट्स को अप्लाई करने के बाद फिर से आपको हो जाना है बैक और अपना सेग इफेक्ट प्रोजेक्ट में आना है और हमारा यहाँ पे 3 लेयर्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको तीनों पे इस तरह से होल्ड प्रेस करना है और तीनों लेयर्स को यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी 3 लेयर्स कर लेना है, ठीक है। सो गाइज तीनों लेयर्स को कॉपी करने के बाद फिर से अपने सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कीजिएगा, देन हमारे यहाँ पे फोटो ऐड है आपको वहाँ पे आ जाना है, ठीक है, फोटो के पास आ जाना है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो आपको ऐड है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है पेस्ट 3 लेयर्स कर देना है, ठीक है। जब तीनों लेयर्स को पेस्ट कर दो तो आपको एकदम लास्ट में आ जाना है, देन आपको 1 बाय 1 यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करना है, स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और लास्ट तक इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे तीनों लेयर्स को 1 बाय 1 करके मैं लास्ट तक इंक्रीज कर देता हूँ। सो गाइज इस तरह से आपको भी इंक्रीज कर देना है, देन गाइज इंक्रीज कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, आपका स्टेटस बनके रेडी हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और गाइज इसी टाइप का एडिटिंग सीखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि गाइज आपका भाई ऐसी टीमों में से लेकर आ सकता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।